देखते हैं क्वेश्चन में, कहता सम ऑफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। तो यहाँ पहले ना फ्रैक्शन एज्यूम कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई, देयरफॉर फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन वाई। बट ये ज़्यादा कंपेटेबल है, क्यों? हमने इसमें डायरेक्ट लिख लिया लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई, तो यार ये तो नोन है ना कि न्यूमरेटर एक्स हो गया और डिनोमिनेटर क्या हो गया वाई। तो यहाँ तक का। अब इसमें क्या कहता है, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कितना दिया है हमें 8। अब अगर फ्रैक्शन ये है तो न्यूमरेटर कितना है x और डिनोमिनेटर कितना है y, तो इनका सम कितना हो जाएगा 8। फर्स्ट इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, हमने न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में भी क्या कर दिया 3 ऐड, उसने वही बोला है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा 3/4, ठीक है। अब न्यूमरेटर कितना है x प्लस 3, डिनोमिनेटर कितना था हमारा y, y में हमने 3 ऐड कर दिया, तो जो फ्रैक्शन बना वो 3/4 आ गया, ठीक है। इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस कितना 12 इक्वल्स टू 3y प्लस कितना 9। इसको यहाँ ले आओ 4x माइनस 3y, इसको यहाँ ले आओ, तो ये कितना आया 9 माइनस 12 इज माइनस 3, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ये और सेकेंड ये, किसको एलिमिनेट करें, y को एलिमिनेट कर देते हैं। तो जब हम y को एलिमिनेट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में और सेकेंड इक्वेशन में y के कोफिशिएंट क्या सेम होने चाहिए, यहाँ 3 है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा दो 3 से, तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/3, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 तो क्या आएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज कॉपी कर लो, 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3, साइन ऑलरेडी अपोजिट है इनके, डिफरेंट है, तो ये कैंसिल, 4 + 3 = 7, इसको माइनस किया तो 21, एक्स कितना आ गया 3, 7 × 3 = 21, पुटिंग इन फर्स्ट, फर्स्ट में एक्स की वैल्यू डाल दो, 3 + y = 8, तो वाई कितना आ गया 5, ठीक है। उसने हमसे पूछा था फाइंड द फ्रैक्शन, एक्स अपॉन वाई था, देयरफॉर फ्रैक्शन एक्स कितना था 3 अपॉन वाई कितना है 5, सो दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन।